हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी का अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है सिस्टम्स ऑफ किनशिप। ठीक है, तो सिस्टम्स ऑफ किनशिप में कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे मैं आपको क्विकली इसके बारे में बताता हूँ। पहला है फैमिली, हाउसहोल्ड, मैरिज, देन टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली, लीनिएज, डिसेंट क्या होता है, पेट्रियार्की, एसडीओएल, हमने काफी काम किया हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और पर्सपेक्टिव चाहता हूँ देना। जो हमारा चैप्टर 5 था स्ट्रैटिफिकेशन, हमने उसमें काफी बात की थी पेट्रियार्की वगैरह की, लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और ऐड करेंगे, थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है एंड कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, बहुत सारे फैमिली मैरिज वगैरह के कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो देखो, आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको फैमिली के बारे में बताऊंगा, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली के बारे में भी एंड कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स भी। तो ये ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर काफी देखो इंटरलिंक्ड होता है, थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव भी देने की ट्राई करूंगा मैं, एंड देन एक वीडियो में हम मैरिज के बारे में जान लेंगे, एंड देन एक वीडियो में इसके लीनेज डिसेंट, एंड देन वन ऑन पेट्रियार्की एंड एसडीओएल। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं फैमिली के बारे में। थोड़ा सा रैपिड लेक्चर रहेगा, ज्यादा कंटेंट है इसमें तो, और लेकिन काफी इजी कंटेंट है, आपके आसपास चीजें हो रही हैं हर रोज, आपको सब बात इजीली समझ आएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, थोड़ा डेफिनेशन से शुरू करेंगे। सबसे पहले फैमिली, फैमिली के बारे में अगर बात करें, फैमिली कौन एक ऐसी चीज है जहां पर आप इमेजिन करो फैमिली में कौन लोग हैं। तो मैं सबसे पहले इमेजिन करें फैमिली में, लेट्स से बिल्कुल सिंपल सी फैमिली इमेजिन कर रहा हूं मैं, एक है लेट्स से मदर, एक फादर, है ना, मदर एक फादर, और उसके बाद उनके आगे बच्चे। तो आई एम सॉरी दोस्तों, चलो दोबारा शुरू करते हैं एक बारी, थोड़ा गला खराब चल रहा है। मदर एंड एक फादर एंड आगे बच्चे। अब ये देखो, अब आगे जो मदर एंड फादर हैं, क्या उनमें कोई खून का रिश्ता था? मोर ऑफन देन नॉट, दुनिया में जनरली जो सेम इस परिवार में भाई बहन में शादी नहीं होती, ठीक है, बात समझते हो, ये तो आप जिसको हम क्या बोलते हैं इंसेस्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे, मॉडल भी है एक रॉबिन फॉक्स का कि इंसेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो चलो यहीं पर आप बात शुरू करते हैं। मदर एंड फादर में जो ये जनरली दूसरे दो अलग परिवारों से आते हैं, तो यहां पर जो रिश्ता है ये किसका रिश्ता है, इसको बोला जाता है हमारे सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में या इंग्लिश में जनरली अफिनिटी, प्यार का रिश्ता, है ना, अफिनल रिलेशनशिप। एंड उसके बाद जो आगे जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, बच्चे होंगे, उनमें कौन सा रिश्ता होगा? खून का रिश्ता। खून को जैसे आप एक इंग्लिश का वर्ड ही है कॉन्सैंग्यूनल, तो कॉन्सैंग्यूनल रिलेशंस कहा जाता है। तो यहीं पर ही तो फैमिली के तो एक ऐसा ग्रुप है जहां पर एफिनिटी के जो रिश्ते भी हैं, जैसे प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते भी हैं, कि दो लोग इकट्ठे आए, चाहे खून से जुड़े हुए नहीं थे लेकिन इकट्ठे आए, एंड खून का रिश्ता भी है। ठीक है, खून का रिश्ता किसमें होता है? जनरली आगे ऑफस्प्रिंग्स में होता है। एंड उसके बाद एक इसमें अडॉप्शन भी ऐड कर दो आप, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे आगे होते हैं वो ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन हाँ उनको सोशियोलॉजिकली बच्चे माना जाता है कि आगे दे आर ऑफस्प्रिंग्स, दे आर किड्स। ठीक है, तो अडॉप्शन वाला भी ऐड कर देना। तो तीन तरह की चीजें दिखती हैं, दो मेजर हैं एफिनिटी एंड कॉन्सैंग्युनिटी, एंड अडॉप्शन तीसरी तरह का तरीका होता है जो कि ऐसे किसी ग्रुप को फैमिली कहा जाता है। अब ये तो था बहुत ही ब्रॉड जनरल डेफिनेशन, एग्जैक्ट एक डेफिनेशन देखते हैं मुर्डॉक की। मुर्डॉक इज अथॉरिटी, इसको हटा देते हैं एक मिनट जरा। मुर्डॉक इज अथॉरिटी, जो व्हेन इट कम्स टू फैमिली सबसे पहली डेफिनेशन आपको मुर्डॉक की लिखनी है। इन्होंने 250 के आसपास सोसाइटी स्टडी करी और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फैमिली तो हर जगह ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एलिमेंट्री फैमिली तो हर जगह ही पाई गई। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि इन्होंने चार कैरेक्टरिस्टिक्स दिए फैमिली के। पहला कि कॉमन रेजिडेंस होता है, इकोनॉमिकली लोग आपस में ना पैसे को लेकर कोऑर्डिनेट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपस में जो परिवार के लोग, जैसे मदर फादर हमने बात करी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चे, एंड उसके बाद जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो सामाजिक अप्रूवल भी है उसको। अगर अभी भी आप देखो अपनी इंडियन सोसाइटी में, अगर जो शादी के बियॉन्ड, जो शादी के जो अभी लोग जो मैरिड नहीं होते अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो सोशल अप्रूवल इतना ईजिली नहीं मिलता। तो अगर सोशल अप्रूवल कब मिलेगा? मैरिज के थ्रू। तो ये मुर्डॉक की डेफिनेशन के ये चार एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद वो आगे क्या बोलते हैं इसमें कि इसमें जो चिल्ड्रन जो आगे पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे अडल्ट्स के, एंड दे कैन बी अडॉप्टेड एज वेल। तो मुर्डॉक को लगता था कि ये सभी चीजें यूनिवर्सल हैं, हर जगह पे हैं, लेकिन एक्सेप्शन सामने आने शुरू हुई, जैसे सदर्न यूएसए में ब्लैक्स थे। ठीक है, जैसे ब्लैक्स इन सदर्न यूएसए, नायर्स हैं केरला के, ये ऐसे इन सेम चीजों को फॉलो नहीं करते, तो एक्सेप्शन सामने आई। तो बस इससे हमें पता क्या लगा कि मुर्डॉक की जो फैमिली टाइप जो मुर्डॉक ने बनाई वो यूनिवर्सल नहीं है, बट हाँ लेकिन मेजरली ऐसे ही देखी जाती है। ओके, तो अब इसके आगे एक डेफिनेशन है एंथनी गिडन्स की, ये थोड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन है। एंथनी गिडन्स क्या बोलते हैं, फैमिली किसको
मानते हैं, ये बोलते हैं कि सिंप्लीफाइड थोड़ा थोड़ा करते हैं डेफिनेशन को, ये कहते हैं कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ पर्संस जो आपस में किन कनेक्शन हो। किन कनेक्शन मतलब कि आपस में कुछ रिश्ता महसूस करते हो, रिश्तेदारी हो आपस में, किन कनेक्शन, एंड जिसमें एडल्ट मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं किसकी, बच्चों की देखभाल की। इनकी डेफिनेशन इसीलिए बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है कि एक तो रिश्तेदारी की बात करते हैं, रिश्तेदारी कैसे भी हो सकती है, खून का रिश्ता, या फिर आपको जैसे मन की आपने दोस्तों के साथ रहना शुरू कर दिया और आगे ही रही जा रहे हो, आपने उनको परिवार बना लिया। एंड देन एडल्ट मेंबर्स में हो सकता है कि दोनों ही सेम सेक्स के भी हों, जो आजकल गे फैमिलीज निकल के आ रही है बहुत सारी, कि सेम सेक्स के लोग भी रहते हैं लेकिन वो आगे बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद बच्चों के देख रेख करते हैं। तो अकॉर्डिंगली इनकी डेफिनेशन काफी ब्रॉड है। ये कुछ जैसे आप अगर आप पीछे मुडॉक की जाके देखोगे तो उन्होंने क्या बोला, एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस। ये थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन है जहां मेल एंड फीमेल वाली, लेकिन ये इनकी जो है ये एडल्ट मेंबर्स की बात करते हैं, ये सेम सेक्स की बात करते, ये ऑफ डिफरेंट सेक्स की बात करते ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर मेल फीमेल की बात हुई है तो यहाँ पर ऐसे कोई बात नहीं हुई है। तो इनका एम्फोसिस किस चीज पर है, इनका एम्फोसिस किस है, कमिटमेंट पर, कि कमिटमेंट ओवर एंड अबव ट्रेडिशनल फीचर्स। कहते ट्रेडिशनल फीचर्स में येस मेल फीमेल होते हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन इनकी जो टाइप ऑफ जो गिडेंस की जो डेफिनेशन ऑफ फैमिली है उसमें क्या है, कमिटमेंट, कि बच्चों का ध्यान रखना और आपस में रहने की कमिटमेंट, हम इकट्ठे रहेंगे, दैट इज फैमिली। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है, एक आपने पीछे मुर्डॉक की डेफिनेशन एंड गिडेंस की डेफिनेशन, ये पक्का आपको चाहिए, इनके जो ये चार एस्पेक्ट थे और गिडेंस के दो एस्पेक्ट थे, ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए और ये हर वक्त आपको याद होने चाहिए। जब भी कभी फैमिली का क्वेश्चन आए, डेफिनेशनल अप्रोच लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं अपने आंसर्स की। ठीक है, ओके, चलो टाइप्स ऑफ फैमिली, थोड़ा सा ये अगेन ब्रॉड बनाने की ट्राई की है कि जो फैमिली की जो छह तरह के टाइप्स निकालने की ट्राई की है कि किस किस तरह की फैमिलीज हो सकती हैं। पहला, इनको बोलते हैं कॉन्जुगल या कंपेनियनेट। देखो सभी इंग्लिश के वर्ड हैं, कॉन्जुगल, कॉन्जुगल किसको बोलते हैं, प्यार मोहब्बत वाला, जैसे एफिनल था, एफिनल और कॉन्जुगल ये आपस में सिनोनिम्स हैं, एफिनल और कॉन्जुगल। तो या फिर कंपेनियन है ना, दोस्त, बिल्कुल दोस्त बन के रहते हैं, ऐसे वाली फैमिली। यहाँ पर वह है क्या, यहाँ पे जनरली मेल और फीमेल ही रह रहे हैं, दे आर मैरिड और अपना रह रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे नहीं है, जानबूझकर, डेलिब्रेटली, मतलब जानबूझकर दे अवॉइड हैविंग किड्स, कि बच्चे पैदा नहीं करते। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं दुनिया में जो कि मेल फीमेल आर मैरिड बट दे हैव नो किड्स। इनको डिंक परिवार भी कहा जाता है बहुत ऑफन, क्योंकि जहां पर जनरली मेल एंड फीमेल दोनों जॉब करते होते हैं, जनरली अगर करते हैं तो उनको डबल इनकम कहेंगे एंड नो किड्स, डिंक फैमिली। यूएसए में डिंक फैमिलीज हैव रिजन अलॉट, डबल इनकम है, मेल फीमेल दोनों अपना पैसा कमाते हैं लेकिन बच्चे नहीं आगे, एक तरह का परिवार ये भी है। ठीक है, आगे थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं। देन न्यूक्लियर, जहां पर मोनोगेमस परिवार, मोनोगेमस मतलब एक ही शादी हुई है उसी से बच्चे पैदा हुए, शादियां मल्टीपल भी हो सकती है ना, तो एक ही शादी हुई उससे बच्चे पैदा हुए, न्यूक्लियर। एंड देन कंपाउंड, जहां पर मल्टीपल शादियां हुई उससे बच्चे पैदा हुए, हस्बैंड वाइफ एंड आगे, यहां पर पहले वाले केस में इनके बच्चे, लेट्स से उसके बाद मान लो इनकी दो वाइफ हो गई तो उसके आगे बच्चे, तो ये जो है ये कंपाउंड फैमिली कहलाती है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वाइफ की कोई और शादी हो जाए तो मल्टीपल, आप समझ रहे हो बात, पॉलीगैमस है। एंड देन लीनियरली एक्सटेंडेड, यहां पे है तीन या ज्यादा जनरेशन, हस्बैंड वाइफ आगे बच्चे हुए, उनके आगे बच्चे हो गए, ये है लीनियरली एक्सटेंड हो रही है फैमिली। एंड देन ऐसे भी तो एक्सटेंड हो सकते हैं कि हस्बैंड के जो जनरली साथ में चाचा जी साथ में रहते हो ना, कि साथ में मतलब भाई रहता हो साथ में, बच्चों के चाचा जी, तो एक कपल और चल रहा है इनके आगे बच्चे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको लेटरली एक्सटेंडेड कहते हैं, कि दो कपल्स है ना, दो या ज्यादा कपल्स, समझ रहे हो बात, ये वाली मैं यहाँ पर थोड़ा सा साफ साफ बनाने की ट्राई करता हूँ। हस्बैंड वाइफ आगे बच्चे होंगे तो इनके आगे बच्चे होंगे, तो ये तो है अपनी लीनियरली फैमिली एक्सटेंड हो रही है। अगर लेट्स से हस्बैंड के भाई भी साथ रहते हैं जो चाचा जी कहते हैं जिनको, ये इनके अलग एक हस्बैंड वाइफ चल रही है, इनके आगे बच्चे, उनके आगे बच्चे, तो ये लेटरली भी एक्सटेंड करते जा रहे हो आप, तो इसको लेटरल एक्सटेंशन वाली फैमिली कहते हैं, ये लेटरली एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। एंड उसके बाद ये सारे लोग अगर इकट्ठे रहें तो, और उसको एक्सटेंडेड ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है, हेनरी मेन की टर्म है ये, एक्सटेंडेड ज्वाइंट फैमिली। और इसमें जनरली, इसको एक बार साफ करके देखते हैं, यहां पर
जो अपना ब्रॉडर एजेंडा क्या है कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जनरली इज हेल्ड जॉइंटली, जॉइंटली प्रॉपर्टी के ओनरशिप होती है, सभी का हिस्सा होता है इसमें, तो एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली में, और एग्रीकल्चरल टाइप सोसाइटीज में और जनरली बिजनेस जो बड़े बड़े परिवार है उनमें बहुत दिखती है ये, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होती है और प्रॉपर्टी पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। तो ये छह तरह के टाइप्स हैं, आप इमेजिन करना शुरू करो, जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ, कोई बच्चे नहीं, देन आगे बच्चे हो गए, उसके आगे बच्चे मल्टीपल शादियों से, उसके आगे बच्चों के भी बच्चे हो गए, आप यहाँ पर जो भाई बहन भी साथ रह रहे हैं, जो हस्बैंड के या वाइफ के, चाचा चाची या फिर मासी जो मौसा कुछ भी हो सकते हैं, एंड देन उसके बाद चाचा चाची भी हैं, आगे उनके बच्चे भी हैं, तो एक्सटेंडेड तीन तीन जनरेशन, एक तो तीन जनरेशन और इधर भी आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली, तो बहुत ही ईजी है इमेजिन करना, याद करना बस इनके, लेकिन ये नाम सही लिखना पेपर में और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके चलो, टाइप्स ऑफ फैमिली देखा हमने, अब टाइप्स ऑफ फैमिली पे क्वेश्चन 10 नंबर का बहुत बार आ चुका है, इस पर आप और भी एक अप्रोच लेके लिख सकते हो एग्जाम में, कि आप ऐसा भी देख सकते हैं फैमिलीज को जो डिसेंट के बेसिस पर, डिसेंट मतलब कि किसका आगे नाम चलेगा, ठीक है, कि किसका आगे नाम चलेगा, पिताजी का नाम चलेगा तो उसको पैट्रिलिनियल कहते हैं, है ना, मदर का चले मैट्री, एंड दे कैन बी बायलेटरल, कि दोनों का नाम उठा रहे हैं, जैसे मालाबार में जो नायर्स हैं, जो केरला के नायर्स या खासीज, ये अब मालाबार जो है ये जनरली, या फिर मेघालय में खासेज रहते हैं, ये मैट्री मैट्री तरह के परिवार है, इसमें ऐसे माना जाता है कि मैट्रिलिनी है, मदर का नाम कैरी होता है आगे, ठीक है। और ये इसीलिए आपको ये एग्जांपल्स दिखने हैं, ये एग्जांपल्स कौन से एग्जांपल्स हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, तो अदरवाइज दुनिया में बहुत, दुनिया में क्या ऑलमोस्ट हर जगह ही पिताजी का ही नाम कैरी होता है, पैट्रिलिनियज ही चलती है, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स में खासीज एंड नायर्स यहाँ पे मैट्रिलिनी चलती है। ओके चलो, रेजिडेंस के बेसिस पे कि किसके घर पर जाकर रहेंगे, मदर के घर पर रहेंगे तो मैट्री लोकल कहलाता है वो, आगे लोकल लगा देना, ठीक है, मैंने बस ऐसे लिखा पैट्री लोकल, पिताजी के घर जाके रहें, जो कि नॉर्म है दुनिया में कि लड़के के घर जाके रहेंगे, पैट्री लोकल, दोनों जाके क्या करें कि नया घर बनाएं, लड़का लड़की नया घर उनको मिले, न्यू से निकलता है ना, एंड देन कभी लड़के के घर कभी लड़की के घर, ऐसे ऐसे ट्राइब्स भी हैं, डुओ लोकल, एंड एक अलग तरह का है ये है मामा जी के घर, अवंकु लोकल, ये कहां देखा जाता है, नायर्स में जो अब जो मदर है, मदर उसको पता नहीं होता, जैसे अब आगे बच्चे पैदा हो गए, चिल्ड्रन पैदा हो गए, इनको पता नहीं होता कि इनको फादर कौन, किसने किया, ठीक है, हु वाज द फादर, क्योंकि ये इसमें विजिटिंग हस्बैंड्स का कॉन्सेप्ट है, जो ये पॉलिन कोलेंडा की स्टडी है पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे विजिटिंग हस्बैंड्स का कॉन्सेप्ट है कि मदर शी जस्ट कैरीज द किड्स एंड आगे पालती है विद द हेल्प ऑफ मदर के भाई के साथ, मामा जी के साथ, जिनको अवंकु लोकल कहा जाता है, कि या फिर इस तरह के परिवार को जहाँ फादर की प्राइमेसी नहीं है, फादर नहीं होता लेकिन हाँ मामा जी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह के परिवार को पॉलिन कोलेंडा क्या बोलती है, एवेंक्यूलर टाइप ऑफ फैमिली, एवेंक्यूलर, ठीक है, ये वर्ड मत भूलना, ये मामा जी से जुड़ा हुआ वर्ड है एवेंक्यूलर। तो यहाँ पर जो अगर ये फॉर्म भी भरते हैं अपना, तो किसी जगह पर, तो ये फॉर्म में क्या भरते, मामा जी का नाम, नॉट फादर्स नेम, क्योंकि पता ही नहीं है, विजिटिंग हस्बैंड का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे फादर का नाम जनरली पता ही नहीं होता कि कौन फादर है बच्चों का। ओके तो बच्चों का कौन पाल रहा है, मामा, एंड इसीलिए अब आपको ना ये जो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज करते हैं कि ये जो परिवार है नायर्स वाला, ये मैट्री कौन सा, मैट्रीआर्कल परिवार है, मैट्रीआर्कल, आर्कल देखो, आर्कल का क्या मतलब क्या होता है, कि जिसका राज चलता है, राज मदर का नहीं चलता, दिस इज स्टिल अ पैट्रीआर्कल, यहाँ मामा जी का राज चलता है और मामा जी स्टिल इज अथॉरिटी, तो ये है, ये भी इसीलिए स्टडीज क्या बोलती हैं हमारी, इट इज नॉट अ मैट्रीआर्कल, इट इज स्टिल अ पैट्रीआर्कल सोसाइटी और अ पैट्रीआर्कल टाइप ऑफ परिवार, ठीक है दोस्तों। ओके तो डिसेंट के बेसिस पे, रेजिडेंस के बेसिस पे, उस पर अथॉरिटी देख लिया हमने, अगर मेल की अथॉरिटी है पैट्रीआर्की, फीमेल की अथॉरिटी मैट्रीआर्की, बच्चों की अथॉरिटी जहां बच्चे बोलते हैं कि कौन से कलर की कार, कहाँ पे घर लें, क्या ना करें, कौन सा नया मोबाइल लें, तो वो फिलियो सेंट्रिक, फिलियो किससे निकला वर्ड, बच्चों से, फिलियो, ठीक है, चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन सेंट्रिक है ये वर्ड, प्लीज आप अपने नोट्स में लिख के रखना, फिलियो सेंट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, फिलियो सेंट्रिक, बच्चों की अथॉरिटी आ गई आजकल, क्योंकि बच्चे कितने कम हो गए परिवार में, पहले तो पूरा ऐसे टीम बनी होती है घर में, 10 बच्चे बैठे हुए, किसी की अथॉरिटी नहीं है, अब एक एक बच्चा होता है, हद से हद दो बच्चे, है ना, तो उनकी बच्चों की बहुत अथॉरिटी बढ़ गई है, बच्चे बहुत राज चलाते हैं, ठीक है, जो आप इसीलिए देखते हो कि कहीं ना कहीं जो कार्टून नेटवर्क वगैरह ये वो इतने तरह के नेटवर्क्स का जो राइज हो गया, और अगर आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, जो यूट्यूब पर जो अभी सबसे बड़ा जो चैनल है दैट इज नर्सरी पोइम्स वाला चैनल, उसका नाम क्या है, चूचू टीवी, जाके आप देख भी सकते हैं इसको, चूचू टीवी इज अ वेरी फेमस
यूट्यूब चैनल। और क्यों हो रहा है वो? क्योंकि बच्चों पर फोकस बढ़ गया है, बच्चे बहुत कम हो गए ना तो फोकस बढ़ गई। ओके, एंड देन नेम, कि किसका नाम कैरी होता है। जैसे अगर पिताजी का नाम तो पेट्रोनिमिक, अगर मदर का नाम तो मेट्रोनिमिक। मेट्रोनिमिक बहुत सारे परिवार हैं, हिस्ट्री के लेक्चर्स में आपने देखा होगा, इवन राष्ट्रकुताज में भी आपने देखा होगा मेट्रोनिमिक था। इवन कि आप जैसे लेट्स से अगर लॉर्ड राम का नाम देखते हो तो उनको मदर के नाम से पुकारा जाता है ना, जैसे 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 राम लक्ष्मण को कौशल्या पुत्र या सुमित्रा पुत्र भी कहा जाता है, बिकॉज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ देयर मदर्स। तो जनरली मेट्रोनिमिक सोसाइटीज कहाँ होती हैं, जहाँ पर एक हस्बैंड की मल्टीपल वाइव्स होती हैं, मल्टीपल वाइव्स होती हैं, तो बच्चों को पहचानने के लिए कि ये इनका बेटा है, ये इनका बेटा हस्बैंड तो क्योंकि किंग है, तो उसके आगे बच्चों को पहचानने के लिए मेट्रोनिमी यूज की जाती है। तो और लेकिन उसके अपार्ट भी बहुत सारे सोसाइटीज में भी मेट्रोनिमी एग्जिस्ट करती है, मदर का नाम कैरी होता है आगे। एंड देन कम्स परिवार को आप कॉन्जुगल या कॉन्सैंग्युइनल भी देख सकते हो। कॉन्जुगल मतलब जहां पर क्या है, प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते, कॉन्सैंग्युइनल, कॉन्सैंग्युइनल भूलना मत वर्ड, खून का रिश्ता, ठीक है। और यहाँ पर है कि जैसे लेट्स से हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह रहे हैं, कॉन्जुगल कहते हैं उसको, कि जहाँ पर खून का रिश्ता नहीं है लेकिन हाँ दो लोग इकट्ठे मिलकर रहना शुरू करते हैं, परिवार बनाने की ट्राई करते हैं। एंड कॉन्सैंग्युइनल मतलब जहाँ पे खून का रिश्ता है। तो इस तरह से भी आप अपने फैमिली को जो क्लासिफाई कर सकते हो, डिसेंट, रेजिडेंस, अथॉरिटी, नेम, या फिर कॉन्जुगल है या कॉन्सैंग्युइनल है। ओके दोस्तों, तो ये भी अपने पास देखने का तरीका था। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स देख लेते हैं अभी हम, कि कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इन। और तो टैलकट पार्सन्स के इसमें जो बात करनी बहुत जरूरी है, पार्सन्स कंपेयर करेंगे कि प्री इंडस्ट्रियल फैमिली कैसी थी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कैसी फैमिली आ रही है। तो वो कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल फैमिलीज एक्सटेंडेड हुआ करती थी, क्योंकि जिंदगी छोटी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट है और सोशल सपोर्ट चाहिए, कभी भी आप बीमार हो सकते हो, इतने कोई मेडिसिन वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, आपको सभी की एक दूसरे की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है और इसलिए जितने लोग होंगे परिवार में उतना बेटर, और सिंपल स्किल्स चाहिए काम करने के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह जो भी, और वो सब कुछ परिवार में ही पढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए पार्सन्स बोलते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो भी होगी वो वहां पे एक्सटेंडेड फैमिली नजर आएगी आपको। उसके आगे वो बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जैसे जैसे स्पेशलाइज स्किल्स आएंगे, परिवार नहीं दे सकता तो लोग घर छोड़ के बाहर निकलेंगे, तो लेबर इंटेंसिव काम कम हो जाएगा, इतने बच्चे भी नहीं चाहिए होंगे, एंड उसके बाद लोग अलग 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 अपना अपना काम शुरू कर सकते हैं अब। और जो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो लोग डेफिनेटली जो छोड़कर अपने परिवार को, अगर परिवार अच्छी, अगर सोशल स्टैंडिंग नहीं है, परिवार अगर अच्छी, कोई समाज में ऐसे कोई टॉप का परिवार नहीं है, तो लोग छोड़कर चले जाएंगे और सिटीज की तरफ जाएंगे, अर्बन इलाकों की तरफ जाएंगे, ताकि थोड़ा सा मोबिलिटी लें, सोशल मोबिलिटी मिले उनको अपनी लाइफ में। एंड उसके बाद जैसे जैसे समाज में बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज का राइज हुआ। यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज मतलब ऐसी वैल्यूज को सभी को बराबर देखना है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई इस परिवार से आता है कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज का राइज हुआ, तो कहते फैमिली का तो फॉल होना ही था। फैमिली पर्टिकुलरिस्टिक होती है नेचर में, कि बोलती है कि अपने परिवार को करो एंड बाकियों के परिवार को थोड़ा पीछे रखो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे यूनिवर्सलिज्म बढ़ेगा, पर्टिकुलरिज्म घटेगा, तो फैमिली जो कि आपको पर्टिकुलरिज्म ही सिखाती है वो भी घटेगी, पार्सन ऐसा मानते हैं। एंड इसीलिए क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तो न्यूक्लिएटेड मतलब कि जॉइंट फैमिली का जो ऑपोजिट, जो छोटे छोटे परिवार जहां पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं अपने बच्चों के साथ, कोई एक्सटेंडेड फैमिली कुछ नहीं है, कोई दादा दादी नहीं है, कुछ चाचा चाची चाची कुछ नहीं है, तो न्यूक्लिएटेड फैमिली तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ऐसा पार्सन्स मानते हैं। और क्योंकि ये स्ट्रक्चरली आइसोलेट हो सकती हैं, और ये जो फैमिली अलग जाके शहर में जाके बस गए, गाँव छोड़ के आके शहर में आके बस गए, स्ट्रक्चरली आइसोलेट हो गए, और बाकी सोशल इंस्टीट्यूशन से भी वो छूटते जाएंगे, रीति रिवाज ये वो सब कुछ भूलते जाएंगे, इसलिए बोलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अलग तरह का कल्चर बिल्ड होगा, ठीक है। तो ये पार्सन्स का मानना है। इसको सपोर्ट करेंगे कौन? विलियम गुड भी आके इसको सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि बिल्कुल पार्सन्स आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि आज के समाज में जो स्टेटसेस हैं जो वो ऑक्यूपेशन से आते हैं आपके, और आपके पैदाइशी नहीं मिलते, तो आपको ऑक्यूपेशनल स्टेटसेस हैं वो अचीव करने पड़ते हैं, इसका मतलब आपको परिवार छोड़ के जाना
लगाना ही पड़ेगा अचीव करने, मेहनत करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे, बहुत कुछ। उसके बिना कहते हैं आपको समाज में इज्जत नहीं मिलती, विलियम गुड ऐसा मानते हैं। और इसीलिए क्या बोलते हैं कि इसीलिए इंडिविजुअलिज्म का राइज होता है, और जो कि अगेंस्ट है इथॉस या फिर जो फैमिली के जो नॉर्म्स होते हैं कि सभी इकट्ठे मिलकर रहो, कलेक्टिविटी वाला, उसके अगेंस्ट है इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि सभी को अपना अपना अचीव करना है। एंड इसीलिए क्या बोलते हैं कि रोल बार्गेनिंग इंक्रीज हो जाती है, और क्योंकि और लोग उन्हीं से ही रिलेशन मेंटेन करते हैं अपने परिवार में जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट रिश्तेदार हैं, किन्स, इंपॉर्टेंट किन्स हैं, उन्हीं से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, बाकी रिश्तेदारों से वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तो इसीलिए विलियम गुड बोलते हैं कि इसलिए न्यूक्लिएशन शुरू हो जाती है, पार्सन सही बोल रहे हैं। और न्यूक्लियर फैमिली ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद कैसे करी, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऑक्यूपेशनल स्टेटस के लिए, इंडिविजुअलिज्म को राइज, सब कुछ करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहते बहुत मदद मिली, और इसी के चलते कहते इंडस्ट्रियलाइजेशन में न्यूक्लियर फैमिली एक कल्चर बन गया है। कल्चर के इसके बिना तो जो आप समाज में सर्वाइव ही नहीं कर सकते इफ यू आर नॉट न्यूक्लियर इन नेचर। ओके ठीक है, तो अब इसके लिए काउंटर व्यूज भी है कि भाई नहीं, न्यूक्लियराइजेशन नहीं हो रही, जितना पार्सन्स या विलियम गुड बोल रहे हैं उतनी न्यूक्लियराइजेशन नहीं हो रही। तो इसके खिलाफ सबसे जो पहले बात आती है वो आती है एलिजाबेथ रॉबर्ट्स की। थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया तो ट्राई करूंगा मैं एक्सप्लेन करने की। एलिजाबेथ रॉबर्ट्स सबसे पहले या कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक्सटेंडेड फैमिली की जो ग्रोथ हुई कैसे, वो कहते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी तो अब लोग अपना परिवार छोड़कर कहीं जाके बस रहे हैं, तो उसके कारण वहां पर जैसे इनिशियल बात करते हैं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जब यूके वगैरह में बात करती हैं वो, तो कहते पुअर लिविंग कंडीशन है, महंगाई बहुत है रहने की और कुछ भी नहीं है, तो कहते कहां जाके रहते हैं जो जो कि जान पहचान के लोग हैं उनके पास जाके रहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली वहां पे यूज करते हैं वो। कहते रादर कहते ऐसे रिश्तेदारों को आप ढूंढ के निकालते हो जब आप किसी और जगह जाकर रहना शुरू करते हो जो कि आप जिनकी कभी बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि अब आप उनके शहर आए हो, आपको उनकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आप नई नई रिश्तेदारियां ढूंढते हो। तो इसी चक्कर में एलिजाबेथ रॉबर्ट्स का मानना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते आपने रादर फैमिली को और रीइंफोर्स किया, आपने तो फैमिली की जो हेल्प ली उससे फैमिली का स्ट्रक्चर और मजबूत हुआ। तो विलमेट एंड यंग ये मानते हैं कि इंग्लैंड और यूएसए का एग्जांपल लेंगे ये, वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड की अगर बात करें तो रेगुलर कॉन्टैक्ट्स जो अभी भी मेंटेन्ड हैं, लेट्स से हो सकता है कि कोई अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ, सिटी की तरफ बढ़ गया हो, लेकिन कहते कॉन्टैक्ट्स तो अभी भी मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं है कहते। और इन्होंने सर्वे किया, कहते हर एक कहते मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने, हरलंबस में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इसके बारे में आप, और तो वो कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल उन्होंने पिछले 24 घंटे में अपने घर एक बार फोन किया था, और इनका इन्होंने देखा तो कहते कहीं ना कहते कहाँ जा रही है फैमिली, कहते फैमिली तो अभी भी है ही है, चाहे कहते दोस्त के साथ रह रहे हैं या जहाँ मर्जी रह रहे हैं, फैमिली में तो अभी भी बात होती है। एंड इसलिए कहते और बेबी सिटिंग, कहते जैसे अब मान लो हस्बैंड एंड वाइफ जाके जॉब कर रहे हैं तो घर में बच्चे कौन पालेगा, इसके लिए उनको फैमिली को किसी को बुलाना पड़ेगा। बेबी सिटिंग कहते बहुत एक इंपॉर्टेंट एक चीज़ उभर के आई जिसके कारण फैमिली का रोल रीइन्फोर्स हुआ। एंड ये यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं कि इवन कहते यूएसए में भी बिल्कुल ही आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली बहुत रेयर है, कहते सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है। कौन सी, वो कहते जो कि बहुत ही जैसे डुअल करियर जहाँ पे हस्बैंड वाइफ जॉब करते हो, या फिर प्रोफेशनल मिडिल क्लास जो लोग हैं सिर्फ वही है जिन्होंने बिल्कुल रिश्ते नाते तोड़ दिए अपनी पिछली फैमिली से, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट थे, गुजारे हो सकते थे शहर में, इनको कोई खास ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं थी फैमिली की मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज बोलते हैं इट्स अ रेयरिटी। इवन ये बोलते हैं जो सुपर रिच हैं जो लोग, वो भी अपने फैमिली के टाइज मेंटेन रखते हैं क्योंकि नेटवर्क मिलता है उनको, वहां पर नेटवर्क मिलता है जिसको वो आगे एक्सेस करके अपने और बिजनेस वगैरह सबको एक्सपैंड करते हैं। तो विलमेट एंड यंग का मानना क्या है, न्यूक्लियराइजेशन नहीं हो रही, रॉबर्ट्स भी बोलते हैं नहीं हो रही। ठीक है, कॉलिन बेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉलिन बेल हमने पहले भी पढ़ा हुआ, कॉलिन बेल ये बोलते हैं कि फिजिकल डिस्टेंस है ठीक है दोनों कहते ठीक है जो, लेकिन कहते दिलों में डिस्टेंस नहीं है, इंटरनेट, टेलीफोन, एयर ट्रेवल, कहते सबने तो फैमिली को वापस इतना मजबूत कर दिया है, हर वक्त ही तो फैमिली से जुड़े हुए आप। और कहते फ्रीक्वेंसी चाहे घट गई है कॉन्टैक्ट की, वो क्या बोलते हैं क्वांटिटी घट गई है लेकिन क्वालिटी बढ़ गई है, कॉन्टैक्ट की क्वालिटी हैज इंक्रीज्ड। जब घर आते हो तो पूरा टाइम घर रह ही, छुट्टियों में घर आके परिवार के साथ ही बिताते हो वक्त, तो क्वालिटी ऑफ कॉन्टैक्ट हैज इंक्रीज्ड। और इसीलिए वर्ड क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड या फिर डिस्पर्स्ड एक्सटेंडेड फैमिली का जन्म हुआ है। ये एक फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है, बस फैल गई है, डिस्पर्स हो गई है, और इसीलिए कहते हैं कॉमन रेजिडेंस नहीं है लेकिन किनशिप टाइज मतलब रिश्तेदारियां अभी भी मेंटेन्ड है। और बेटथॉन, ये बेटथॉन का एग्जांपल तो बहुत ही मजेदार एग्जांपल है, हरलंबस में लिखा हुआ है। बेटथॉन राइट्स कि सबसे बड़े जो 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 दुश्मनी निभाई
जो फैमिली से वो किसने निभाई, एडवर्टीजमेंट ने। कहते जो आपको एक वो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह की जो एड आती है उसमें कहते सुबह सुबह दिखाते हैं कि मदर सर्व कर रही है बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स, उसमें कहते क्या दिखाया जा रहा है कि एक फादर एक बच्चा बैठा हुआ है और मदर सर्व कर रही है। तो कहते उसमें ऐसे टोटल इमेज बना दी गई कि भाई ऐसे ही परिवार मिलते हैं आपको सिटीज में। तो वो क्या बोलती है उसको, सीरियल पैकेट इमेज। सीरियल होता है ना उसमें सीरियल्स खाते हो आप जो, तो सीरियल पैकेट इमेज। कहते उसके कारण सबसे बड़ा धक्का पहुंचा फैमिली की इमेज को कि सभी लोगों ने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि फैमिलीज ऐसे ही होती हैं कि बस एक फादर मदर और बच्चा घर में रह रहे हैं, दैट्स इट, और कोई भी नहीं है। कहते जबकि ये नॉर्म नहीं है ऐसा। तो कहते इससे मोनोलिथिक मतलब सिर्फ एक ही तरह की इमेज बन के आती है फैमिली की, कहते विच इज नॉट ट्रू। तो क्योंकि फैमिली तो बहुत ज्यादा तरह की एग्जिस्ट करती है और ये प्लुरालिटी तो कैप्चर नहीं हो पाती। एडवर्टीजमेंट के चक्कर में लोग मानना शुरू कर देते हैं बस ऐसे ही परिवार एग्जिस्ट करता है, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है दोस्तों, तो अब नई डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रही है फैमिलीज में, ये हम अपने अगले लेक्चर में कवर करते हैं। आप अभी आज के लेक्चर में जाके जो हमने अभी तक पढ़ा फैमिली की जो डेफिनेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते कैसे न्यूक्लियराइजेशन बढ़ी, पार्सन्स का पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो विलियम गुड का, एंड देन काउंटर व्यूज, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे वेरियस डेवलपमेंट्स ऑफ फैमिली। ठीक है, एंड इसमें मैं आपको थोड़े से और एस्पेक्ट भी बताऊंगा, वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली एज वेल, जो किस तरह से फैमिली इवॉल्व भी हो रही है, जैसे इसको हम रीसेंट या फिर कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।